today we will discuss about experiment number 4. We have completed 3 experiments. 1, Ohm's law verification, or to find the value of resistance of unknown resistance. 2nd one is using meter bridge, and 3rd one, third one is what? Potentiometer. And 4th one is we are going to demonstrate from optics. 2nd section, B section, that is optics section, to find the focal length of convex lens. This one is convex lens. Convex lens में हम लोगों को experiment 2 करना है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है either, मैंने एक वो करिए या एक करिए. हमने जो लिखा है experiment का aim जो लिखा है, इसमें दोनों का check हो जाएगा, जो भी exam में set होगा दोनों हो जाएगा. To find the focal length of convex lens using 2 pins. पिछले दिन हमने बताया था या 10th में बताया गया था कि 1 pin method से या 2 pin method से या without using any pin we are finding the value of focal length, that is estimation, not exact, from 10th class. Now using 2 pin we will complete the experiment and find the value of V for given value of U, and the same will be repeated for at least minimum 5 times for different U. The corresponding V will be calculated, measured with the experiment. The formula is for length is 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U. It is known to each and every person. ये फॉर्मूला है. ये मिरर के लिए भी यही फॉर्मूला है क्या? डिफरेंट है. क्या डिफरेंस है? प्लस होगा. मिरर के केस में ये फॉर्मूला 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू. हियर वी इज व्हाट? इमेज डिस्टेंस, नॉट वेलोसिटी. वी इमेज डिस्टेंस, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ इज मैकेनिक्स में भी ये सब टर्म्स यूज किए थे, सिंबल था वहाँ, लेकिन वहाँ डिफरेंट था. ध्यान दीजिए, एक दिन हमने देखा कि एक टीचर के स्टेटमेंट में भी बोला गया उसी तरह से कि वी और यू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. यहाँ ऐसा नहीं है. वी आर गोइंग टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन यू एंड वी, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे एंड ग्राफिकल मेथड से फोकल लेंथ पता लगाएंगे. उसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला. फॉर्मूला का यूज करके उस ग्राफिकल मेथड का वेरिफिकेशन करेंगे. तो इसका मेन पर्पस क्या है कि टू पिन मेथड हम लोग पिछले दिन देखे थे कि लोकेट, हाउ यू लोकेट द पोजिशन ऑफ इमेज. इमेज का पोजिशन लोकेट किस मेथड से करते हैं? हम लोग पिछले दिन बताया था इस तरह पैरेलेक्स मेथड. पैरेलेक्स एरर मेथड नहीं, बाय रिमूविंग पैरेलेक्स एरर, पैरेलेक्स मेथड से लोकेट करेंगे पोजीशन किसका? इमेज का. इमेज का करेंगे. और हम लोग जानते हैं कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से ज़्यादा दूरी पर हो तो इसका इमेज कैसा बनता है? रियल, इन्वर्टेड. कब बनता है? जब फोकल लेंथ से ज़्यादा दूरी पर ऑब्जेक्ट हो. तो ज़्यादा डिस्टेंस हम लोग पहले एस्टिमेट कर लेंगे इसका कि इतना फोकल लेंथ कितना होगा, और उसके बाद उससे ज़्यादा दूरी पर 5-5 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर पता लगा लेंगे. ज़्यादा डिस्टेंस चेंज करेंगे तो हम लोग ऑप्टिकल बेंच का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो ऑप्टिकल बेंच है उसका लेंथ तो फिक्स है. और ये जो पिन मेथड है, ये स्टैंड मेथड, इससे तो हम कितना भी दूरी ले सकते हैं. तो आप जिससे करना चाहें कर सकते हैं. और हम लोग अभी देखते हैं, इसका एस्टिमेट करते हैं. देखिए ये फिक्स है, इसको हम स्क्रीन बना लिया, एस्टिमेट करना है. ये स्क्रीन हो गया, ये लेंस है. और देखिए थोड़ा सा बहुत गैप दे दो तुम, दोनों के बीच में गैप. हाँ, अब देखिए कि यहाँ पर कोई इमेज अभी तक नहीं बना. नहीं बना, तो हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ा घटा के चेक करेंगे.
बना इमेज कुछ बना फिर गायब हो गया। क्लियर हुआ? यही एस्टिमेट हुआ, यही फोकल लेंथ हुआ। फिर इसको हम चेक करेंगे, ऐसे करके बार बार करेंगे, दो बार तीन बार करेंगे। लाइट का प्रॉब्लम है थोड़ा, और उधर भी देख सकते हैं करके। तो डिस्टेंस देखिए, ऐसे करके पकड़ में साइड में पकड़ के हम देख रहे हैं, इमेज किसी का बनना चाहिए। ये ज़्यादा अच्छा, ये ज़्यादा अच्छा है ना। धुंधला कर रहा था, अभी तो धूप नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा। अब इसी डिस्टेंस को कम करेंगे तो धुंधला हो जाएगा, और दूर कर रहे हैं तो अच्छा है, और खराब हो गया बेटर है। तो इसको एस्टिमेट कर लेंगे, अभी स्केल लाते हैं हम, स्केल ला कर बस इतना ही करो, यहाँ से मेजर कर लेंगे। इधर चिन्ह बना हुआ है ना, इसी से करेंगे। अबाउट 45 रहा है, 45 सेंटीमीटर, यानी इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है। और इसमें अगर यूज करेंगे हम मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज एक उठा कर लाइए वहाँ पर रखा हुआ। इसमें रीडिंग पर हो तो कितना लिखा हुआ, पढ़ो ना जी तुम लोग, यहाँ क्या लिखा हुआ, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में इसका फोकल लेंथ हो गया कितना, 45। तो 45 से ज़्यादा दूर रखेंगे हम लोग, अब 45 का डबल कितना हो जाएगा, 90 से बाद रखेंगे तब इमेज बनेगा बीच में भीतर में, और 90 से पहले रखेंगे तो बाहर बनेगा। इसलिए ज़्यादा गैप डिस्टेंस में नहीं बनेगा। हम लोग शुरू करेंगे कम से कम, ये आ रहा है 40, तो 50 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखेंगे जरूर, और 50 सेंटीमीटर के बाद का इमेज का ऑब्जेक्ट निकालेंगे हम लोग, और मिनिमम 5 रीडिंग। तो हम लोग इसको अभी यूज नहीं करते हैं, या इसका भी यूज कर सकते हैं, लगा हुआ तो नहीं है तो इसका हटा देते हैं। हम लोग 3 स्टैंड से करके देखते हैं, इसका इमेज दिखाई पड़ता है उसमें, देखो दिखाई पड़ता है नहीं सर। ये इसका हाइट, इसके सेंटर भी कम से कम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको ऊपर कर दें, ऊपर करेंगे तभी ठीक नहीं होगा, और इसको एकदम नीचे कर दें वो भी ठीक नहीं होगा। इसलिए हमेशा इस पिन को कम से कम इसके मिडिल पॉइंट में रखेंगे, यहाँ पर टाइट कर देंगे। टाइट करके डिस्टेंस तो हमेशा इस पॉइंट से लेते हैं हम लोग, चिन्ह बना हुआ है बीच बीच में, वहीं से डिस्टेंस मेजर करते हैं। और ये डिस्टेंस मिनिमम हम लोग रखने के लिए सोचे हैं कितना, 50। तो 50 सेंटीमीटर, 50 का तो है ही, इससे ज़्यादा कर देते हैं, इससे ज़्यादा है, 50 तो यहीं हो गया। यहाँ से भी देखना चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए, देखिए आप लोगों की आदत होनी चाहिए कि इसमें खोज लें। हम खोजने के लिए हम मेथड बताए थे, इसका इमेज तो निश्चित रूप से इसमें बन रहा होगा, आप देख नहीं रहे क्यों, कि सीध में देख रहे हैं, सीध में नहीं दिखता है तो नीचे करके देखेंगे, ऊपर करके देखेंगे, बगल करके देखेंगे, उसमें खोजेंगे, इसमें खोजेंगे, ऐसा नहीं कि इधर से बगल होकर इसको देखेंगे, ऐसा नहीं, इसके थ्रू इसको देखना। तो देखिए दिखाई पड़ता होगा हमको, तो दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का इमेज है तो कहाँ है। तो पहले तो इमेज खोज लिया, और इनको मिल गया सीधा, सीधा मिल गया, चलो उसके सीधा मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, वो बन गया हर्ट्ज़।
इसका मतलब कि ये डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ से कम, ऑब्जेक्ट को और बढ़ा दिया। अब देखिए कि बिलता ही नहीं। आर यू गेटिंग द इमेज? क्या है हाथ दिखता है कहीं? उसका हाथ दिख रहा था। उसका हमारा नहीं, अभी क्रीज दिख रहा था हाथ। दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ, बस तो हाथ ही हिला, मूव करा रहे तो दिख रहा है। आप इसको लोकेट कीजिए कि देख ही जा रहा है। इसको देखने के लिए किसका कॉपी रिजल्ट? थोड़ा सा पुराना लगे हैं, थोड़ा सा इसे पहचानने के लिए है। अब देखो दिख रहा है, अभी सीधा है उल्टा? इतना दिमाग खत्म है कि वो मुड़ी नीचे किए हुए। मेन पोजीशन देखना है आपका कि आप किस पोजीशन से दिखाई देता है। कैमरा में इसको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, आंख बंद करने से तो दिख रहा है। हाँ आ रहे, अरे अरे देखो देखो दिख रहा है, दिख रहा है पोजीशन इन्वर्टेड इसमें दिख रहा है। देखो अभी दिख रहा है, दिख रहा है ना इन्वर्टेड दिख रहा होगा, इन्वर्टेड है ये सर। हाँ एस्टिमेट किया है कि इसका फोकल लेंथ होगा 40 के आसपास, 41, 42, 45 तक। तो 45 सेंटीमीटर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज बनेगा बड़ा, और बनेगा कैसा? सीधा, इनलार्ज। तो अभी हम यहाँ करके देख रहे थे तो सीधा बन रहा था, बड़ा, इसका मतलब कि फोकल लेंथ के अंदर था, फोकस के अंदर था। इसको हमने इंक्रीज करके इसके हेल्प से 50 सेंटीमीटर के करीब ले गए, 50 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा, तो इसका इमेज जरूर बनेगा। और इसका इमेज जो भी बनेगा वो कैसा होगा? रियल होगा। फोकस के बाहर ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज बनेगा रियल। रियल का पहचान क्या है? उल्टा होता है, तो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसका इमेज बन रहा है उल्टा। अब छोटा बड़ा तो बाद में तय करेंगे, पहले इसको पोजीशन फिक्स करते हैं। इसमें अब फिर देखेंगे हम तो दिख रहा है कि नहीं, इधर तो नहीं दिखा, यहाँ दिखा कहीं, ऐसे ऐसे आँख को करते हैं पूरा एक बार फ्लैश जैसा दिखाई पड़ता है, इसका मतलब कि वही हो। तो हम उसी पोजीशन पर लाएंगे और ला करके देखेंगे उसका। साइज को बाएं दाएं कर रहे हैं, दोनों एक साथ मूव कर रहा है या नहीं बाएं दाएं, देखना उसको नहीं है, देखना इसमें है, दोनों साथ साथ है कि नहीं। जहाँ पर वो उल्टा है और उसी का ओवरलैप कर रहा है वो सीधा, थोड़ा नीचे कि नीचे कर दें, थोड़ा नीचे दिख रहे हैं ये नहीं, नीचे है नीचे नहीं, क्या नाम दिख रहा है क्या? अब देख लीजिए, थोड़ा सा और करिएगा आप पूरा आँख देख कर लीजिए। आप करिए देखिए, दिखाई पड़ रहा है तो उसका उल्टा, इधर से आके देखिए मैडम ज़्यादा क्लियर, लाइट इधर ज़्यादा आ रहा है। हम देखने के लिए कर रहे हैं पिन, पिन का पॉइंटेड पार्ट मैडम का मोबाइल दिखाई पड़ रहा है, क्लियर? एक दूसरे के साथ साथ चल रहा है, चलो देखो इधर से आके दिख रहा है इसमें, चलो जरा बैठे करके आओ जल्दी से, यहाँ पे देखो उसका उल्टा ही पड़ा रहा है कि
ये दोनों साइड से इक्वल इमेज आ रहा है क्या? उसका इमेज उस पर आ रहा है, इसका इमेज उस पर जा रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट एक को मांगना होगा, इधर से जब देख रहे हैं इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे और उधर से देखेंगे इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे। सब फिर से 2-3 सेंटीमीटर डिस्टेंस को चेंज करेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मेजर करो तो उधर ही इस तरह करके 5 मेजर लेंगे और उसको फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे। टेबल बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में पहला कॉलम होगा किस चीज़ का? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नोट करिए। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, हल्ला नहीं करिए, ऑब्जर्वेशन टेबल। दिक्कत है सो इधर आकर देखिए, ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल। फर्स्ट कॉलम में क्या होगा? ऑब्जर्वेशन नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मिनिमम 5, मैक्सिमम जितना ले सकते हैं 6, 7, 8 भी ले सकते हैं रीडिंग। इसमें दिक्कत होगी तो कहीं गलत आएगा तो उसको हम हटा देंगे। नंबर 2 ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, और नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे, ऊपर में ही सेंटीमीटर में है क्योंकि बार बार सेंटीमीटर लिखना नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट कॉलम क्या होगा? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इसका सिंबल है वी, ये भी सेंटीमीटर में होगा। हो गया। इसके बाद इसका एवरेज नहीं लेंगे, ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि यू का एवरेज ले लीजिए, वी का एवरेज ले लीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। एक एक इंडिविजुअल से आप भी का वैल्यू निकला हुआ है, उससे एफ का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। एफ, एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 by f = 1 by v - (+ - 1 by u) और 1 by f निकलेगा, फिर उसके बाद उसको निकालेंगे एफ और उसका फिर एवरेज वैल्यू ले लेंगे। ये टेबल बनेगा सेंटीमीटर में, इतना टेबल होगा। रिजल्ट में यहाँ पर नीचे लिखेंगे क्या? रिजल्ट, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस बराबर लिख देंगे जितना आएगा। अब आप करिए इसका।